अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरे चाहने वाले ब्रदर, देखिए कि अभी सामान कुछ क्लोज़ हो गया है और कुछ अभी क्लोज़ करने वाला है। जैसे ये बेबी डॉल मेरी प्यारी सी भतीजी के लिए, ये गाड़ी है जी बेटों के लिए, ये जैकेट्स मेरे बड़े बेटे के लिए, बाकी टॉफ़ीज़ और चॉकलेट वगैरह ये देख सकते हैं, और बाकी ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होती हैं, जिस तरह आप ये ब्लूटूथ देख रहे हैं, ये हवाई की स्मार्ट वॉच है, उसके बाद में ये जाबरा की ब्लूटूथ है, उसके बाद में ये वायरलेस चार्जर है विदाउट, उसके बाद में ये एंकर की ब्लूटूथ है। मेरी ज़्यादा दिलचस्पी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होती है। और ये मेरा डिजिटल कैमरा है जी, ये देखिए, इंशाल्लाह जाके आपको इसका रिव्यू करवाऊंगा। और ये मेरे बनानास हैं जी, ठीक है जी। और अभी क्योंकि मेरी क्लोजिंग है, सुबह की मेरी फ्लाइट है, तो ये मेरा टूल बॉक्स है सारा, जो कि मुझे अभी सब मुकम्मल करके मुझे रखना है, संभालना है, यानी इनको सेफ जगह पर रखना है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों को लॉक लगा दिया, दोनों टूल बॉक्स, ऑटोमेटिक सेट, हैंड पंच, हाइड्रोलिक पंच सेट, और इस तरह की चीज़ें, और इस तरीके से अभी इनको इंशाल्लाह पैक करके, तो किचन में चारपाई पड़ी हुई है। जैसे ये देखिए, किचन में चारपाई पड़ी है, उसके नीचे जो है ना, वहाँ पे नीचे वाली साइड पे मैं अपना पूरा सामान रखूँगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे नाम के ऊपर सारा सामान है, पैकिंग कुछ होगी और बाकी होने वाली है, और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, और बाकी आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है जी। हाथ ना गंदे हो इसलिए ग्लव्स पहने हुए हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में आपको मिलेंगे, ये ब्लॉग आपको यहाँ से लेके पाकिस्तान तक मुझे लेके जाएगा, और मेरे साथ रहिएगा, और मेरे सऊदीया टू पाकिस्तान मेरा सफ़र एंजॉय कीजिएगा जी। श्योर है कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो खुशी के लम्हात है मेरे लिए, अपने बच्चों से मिलना, स्पेशली अपने वालिद को देखना, कि जिनकी अभी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, और माशाल्लाह वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी का 40 से 45 साल जो है ना परदेश में गुजारा है, और वो बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह अभी भी मेंटली तौर पर। और उनका बेटे होने की सूरत में शायद मैं 50 to 60% भी नहीं हूँ स्ट्रांग। इंशाल्लाह उनको देखने की जो खुशी है, जाके उनको मिलने की, अल्लाह ताला ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी है, बेसिक मैं इसीलिए जा रहा हूँ अभी। हालांकि फ़्लाइट्स बंद है हमारी आने की, यहाँ से सऊदी अरब से पाकिस्तान जाने की फ़्लाइट खुली है, लेकिन पाकिस्तान से सऊदी अरब आने की फ़्लाइट जो है वो बंद है। तो वो इंशाल्लाह कॉपड़ी मेरी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीछे वो जो है, अगर मेरा दखुल खरोज यानी मेरी छुट्टी ख़त्म हो जाती है, तो वो उसको दोबारा रिन्यू करेंगे। अगर मेरा इकामा जो है ना वो एक्सपायर हो जाता है, तो वो इकामा रिन्यू करके दोबारा फिर मेरी छुट्टी को इंक्रीज़ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हर सूरत में वो छोड़ते नहीं है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने काम करके दिया, जितना वो मेरे से सेटिस्फाइंग है अल्हम्दुलिल्लाह, छोड़ते नहीं है इंशाल्लाह ताला। ओके जी, आगे बने रहिएगा, इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको आगे के मंजर जी। तो गाइस देखिए, आप परदेसियों को ये जोड़ी खुदा हाफिज कहने के लिए आई है, देखिए ये परदेसियों को, ये परिंदों की जोड़ी जनाब खुदा हाफिज कहने के लिए आई है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये फैमिली पैकेज इनका, ये देखिए, क्योंकि तो इनको हम दाना डालते होते हैं, तो ये अभी हमें खुदा हाफिज कहने के लिए आए हैं। उन्होंने देखा है कल का काशिफ सामान जो है ना वो पैकिंग कर रहा है, तो हम जो है ना इनको परदेसी भाई को, अपने को काशिफ परदेसी को खुदा हाफिज कहते हैं, बाय बाय। ये देखिए जना, ये दो जोड़ी है, हम दाना डालते होते हैं,
ठीक है जी। ओके गाइस, ये परदेसियों की जोड़ी है, ये परदेसियों की जोड़ी अपनी जोड़ी के पास जा रही है, और ये वो जोड़ी है जो हमें खुदाफिज कहने के लिए आए हैं। बाय बाय। हेलो गाइस, ये मैं हूं और ये मेरे दोस्त हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है और मस्ती मजाक चल रहा है। यहाँ पे मलक और मरासी को लेके गपशप हो रही है और ये लास्ट मेरा छुट्टी वाला व्लॉग है। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान पहुंचने के बाद में देखेंगे। वो पीछे आपको सामान नजर आ रहा होगा जो कि रेडी है मेरा, सेट होगा। उसके बाद में ये जनाब मेरा पासपोर्ट, टिकट्स और ग्लास वगैरह यानी समथिंग सारा कुछ मौजूद है। बाकी मिलते हैं आपको इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे। अभी तैयारी हो चुकी है, दोस्त मेरे रेडी हैं और जुबैर भाई भी साथ में है और इधर देखिए सजाद भाई भी साथ में है, ठीक है। और बड़ी मुश्किल से इनको चुप करा रहा हूँ, सारे जो है ना रो रहे हैं। छोड़ के जाओ, बोलते हैं कि अपनी जगह पे यहाँ पे पगड़ी छोड़ के जाओ अपनी। तो मैंने कहा ये टेप जो है ना मेरी पगड़ी है और ये इस तरीके ये ऐसे खड़ी है, ये इधर मैं हूँ, कुछ परेशानी हो तो इसको बता रहा है आप। ठीक है इंशाल्लाह, बाकी आपको एयरपोर्ट में जी। तो गाइज नोट निकालने आए हैं हम लोग, नोट नोट दिए, देखिए मैं और जुबैर भाई यहाँ पे नोट निकालने के लिए आए। नाउ आई एम कमिंग इट, आई एम गेट द क्लर्क, अभी हम नोट निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, अभी वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह बाकी आपको पाकिस्तान में जाके बाकी का व्लॉग पूरा मुकम्मल करूँगा। भाई हैं मेरे साथ बैठे हुए, लाहौर के हैं, बाकी माशाल्लाह सब हमारे भाई बैठे हुए हैं, अपने अपने प्लेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है सब एक्साइटेड है अपने घरों में जाने में, वो भी COVID-19 के रहते हुए। जी तो गाइस अभी तकरीबन हमारा प्लेन जो है ना वो लैंड कर चुका है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे भाई पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा झगड़ने के बाद अभी आराम से लाइनों में खड़े भी हो चुके हैं, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन अभी तकरीबन 10 to 15 मिनट इंशाल्लाह यहाँ से पब्लिक सारी रिमूव होगी और गाड़ी में बैठ के प्लेन में जाएंगे। देखिए जी लाइनें लगी हुई हैं, कुछ थके हुए हैं, कुछ सोए हुए हैं, कुछ लेटे हुए हैं, कुछ अपने आप से तंग हैं रात के बैठ बैठ के यहाँ पे। तो देखिए माशाल्लाह ये हमारा क्रू फ्लाइट का टोटल। गाइस अभी हम जा रहे हैं प्लेन में बैठने के लिए और बैग जो है मेरा वो घूम रहा है। देखिए सफ़र हमारा आगे का, हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान तक पूरा जो है विज़िट करवाएंगे कि परदेसी कैसे जाते हैं और कैसे आते हैं। यकीनन मैं तो बहुत खुश हो गया अपने घर में जा रहा हूँ, अपने वाले सबको मिलूंगा, बच्चों को मिलूंगा। देखिए प्लेन के अंदर के मनाजर भी आपको दिखा रहे हैं।